ये मेरा नाम नरसिंह राव मदरी नरसिंह राव है। हम हैदराबाद से आए तेलंगाना मादिगा परिरक्षण समिति और हमारे डिमांड से मोदी जी से कि हमारा जो 20% रिजर्वेशन है वो हमारे को देना बोल के एक डिमांड है और हमारा इंडियन करेंसी पे जो है अपना अंबेडकर साहब का फोटो होना और क्या है हमारा जो भी पार्लियामेंट भवन अभी जो बन रहा ना उसका ऊपर हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम होना चाहिए और हमारा जो एससी वर्गीकरण है एबीसी जो है ना वो मोदी साहब हमारे से स्टेट गवर्नमेंट को दे राइट देना बोल के वो एक डिमांड है। हेलो, गांधी जी फोटो है लेकिन अम्बेडकर ये हमारे राज्यंगम राष्ट्र अम्बेडकर और ये हमारे भगवान की तरह मानते हैं कि इनका फोटो करेंसी पे होना हमारा डिमांड है। ये बोलते रहते लेकिन भगवान का ये नहीं है कि ये जो भी भगवान के वो भगवान है लेकिन ये हमारे को जो दिखने का जो भगवान है यही है अम्बेडकर साहब है उनका लगाना बोल के हमारा डिमांड है। हम 8 साल से ये लड़ रहे कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने बीजेपी सत्ते में है लेकिन हम जो डिमांड कर रहे हम लड़ते ये गवर्नमेंट या करना ये पार्लियामेंट का नाम लगाना कंपलसरी ये वही नाम होना कि अम्बेडकर साहब का नाम लगाना पार्लियामेंट को वो एक डिमांड है। हमारा जो भी पॉपुलेशन है ना जो हमारा अभी तक जो एससी पॉपुलेशन है 50% तक है लेकिन जो 18% रिजर्वेशन दे रहे लेकिन अभी तक ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हम उस पर 20% हम उसके ऊपर फाइट कर रहे हैं कि हमारे को 20% रिजर्वेशन देना मोदी गवर्नमेंट। अभी केसीआर जो डिमांड उनका गवर्नमेंट दे नहीं सकता ना राइट्स नहीं है ना सेंट्रल से उनको राइट्स आना चाहिए इसीलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हम फाइट कर रहे हैं। बात तो रखा है लेकिन करेंगे बोल के रहते लेकिन उन्होंने नहीं करते मालूम है गवर्नमेंट जैसा है वो घर एक घर का गवर्नमेंट चल रहा है वहाँ पे। फाइनली यही कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम पार्लियामेंट को लगाना और हमारे इंडियन जो करेंसी है ना उसके ऊपर उनका फोटो होना चाहिए और 20% रिजर्वेशन वो करना मोदी जी। हम लोग तेलंगाना से आए हुए हैं और हमारे जो दलित में कास्ट है 59% और उनमें से 2 या 3 कास्ट को ही रिजर्वेशन मिल रहा है बाकी हम लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा और ये जो दिल्ली में नई संसद बनने जा रही है इसमें हमारी डिमांड है कि हमारे बाबा साहब जो हमारे हमारे लिए सब कुछ हैं उनकी मूर्ति बड़ी मूर्ति उनकी लगनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से संसद बनाई जाए इनका नाम होना चाहिए संसद के मेन गेट पे या फ्रंट पे कहीं भी बट होना चाहिए डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से। हम लोगों की ये डिमांड है और हमारे जितने भी भाई तेलंगाना से आए हुए हैं सबकी यही डिमांड है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग बीजेपी को गली में भी नहीं घुसने देंगे और गांव में भी नहीं घुसने देंगे स्टेट में भी नहीं घुसने देंगे क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा सताया जा रहा दलितों की मांगों को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है कोई सुनवाई नहीं होती तो हम लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं तो ये हम लोगों का रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि जो नई संसद बनाने जा रहे हैं इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा होनी चाहिए उनका नाम होना चाहिए और हमारे जितने कॉलेज हैं सब जगह थोड़ा बहुत संविधान भी पढ़ाया जाए जिससे लोगों में जागरूकता आएगी लोग जागेंगे उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने का मौका मिलेगा और देश को समझेंगे कानून व्यवस्था हर चीज़ की समझ आएगी। जब तक स्कूल में संविधान को नहीं पढ़ाया जाएगा तो लोगों को कानून के बारे में कुछ समझ नहीं रहेगी और इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो ये अपनी ना तो अपनी रक्षा कर पाएंगे ना सामने वाले को बोल पाएंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। हमारा जो नोट है होना ही चाहिए ऑफिशियली जो इस संविधान को बनाए हैं इस देश को जिसकी वजह से देश चल रहा है उनका फ़ोटो नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे तो हर जाति धर्म के लोग कहेंगे कि हमारा फ़ोटो लगा दो मुसलमान बोलेंगे अल्लाह का लगा दो हिंदू बोलेंगे लक्ष्मी जी का लगा दो तो ये सब तो गलत है ना किसी भगवान का फोटो
ये किसी धार्मिक करेंसी को किसी धार्मिक उससे नहीं तोल सकते। करेंसी एक पैसा है, उसको हम संविधान के दायरे में रहते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक साइड फ़ोटो रखते हैं, एक साइड फ़ोटो तो गांधी जी का बना हुआ है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से और हमारे तमाम भाई जो तेलंगाना से चल के 9% है दलितों को, लेकिन मिल नहीं रहा, ओनली 2-3% ही दलितों को रिजर्वेशन मिल पा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा हम लोग जोर जबरदस्ती कहते हैं, सुनवाई होती ही नहीं है कहीं। कल दिल्ली में चुनाव थे, हमारे भाई जब तक जानेंगे नहीं, अपने आप को समझेंगे नहीं, तो कुछ भी गलत ही डिसीजन लेंगे, किसी को भी वोट दे देते हैं। कल की डेट में केजरीवाल जी की सरकार आ गई है, एमसीडी में जीत गए हैं दिल्ली में, तो कल तक बाबा राव अम्बेडकर के बारे में बोलते थे, अभी 10 दिन बाद फिर बोलेंगे लक्ष्मी जी की फोटो लगा दो नोट पे केजरीवाल जी। तो वोट चाहिए होगा तो बाबा साहब दलितों के वोट जैसे ही मिल जाएंगे तो लक्ष्मी जी पार्वती जी, ठीक है किसी के भगवान को किसी देवता को हम लोग वो नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं और वो भी हमें समझें और हमारी भावनाओं के साथ ना खेलें। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ अगर होगा तो हम लोग 85% हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम बस अपने भाइयों को अपने बुजुर्गों को अपने बच्चों को यही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब जागृत हों, समझें चीज़ों को और आगे बढ़ें। जब ही हम डॉक्टर भीमराव बाबा साहब का सपना पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ तो बहुत पहले से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे चंबल में फूलन देवी जी थी, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ था, आखिर उन्होंने हथियार उठाया था, उन्होंने कितना सारा लोगों को मारा था, तो हम लोग वो सब नहीं करना चाहते। हम लोग डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, बाबा साहब संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, संविधान की इज्जत करते हैं। तो हमारी सामने से और सामने वाले को यही गुजारिश है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा मजबूर ना किया जाए और हम लोगों की भी चीज़ों को समझें। और ये हम लोग तेलंगाना से आए हुए हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी से और बीजेपी तमाम पार्टी से कि अगर हम लोगों की डिमांड को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग वहाँ किसी भी हाल में बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इलेक्शन में बीजेपी थे और बाबा साहब के कार्यक्रम में भी नहीं आए और चुनाव वोट भी किसी और को दे दिया, ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कौन होगा। एक तो भगवान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और उनके प्रोग्राम में ना आके किसी और को वोट दे के उसे जिता दिया, मतलब इससे ज़्यादा और आप लोग क्या मतलब कह सकते हो कि दिमाग के बारे में। हर आज की डेट में हर पार्टी जो कोई भी पार्टी आएगी बोलेगी हम आपके हैं, हमारे साथ ही हैं, एक हो जाओ बोल के गुमराह कर देते हैं। हमारे लोग उतने थोड़ा सीधे हैं, उतने चंड चालाक नहीं है जितने की होने चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं सब पढ़ें और थोड़ा सा आने वाले टाइम में तो सुधार ला सकते हैं। कम से कम जो बच्चे हैं उनको संविधान थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा,